हेलो दोस्तों, मैं हूँ आंचल। स्वागत करती हूँ आप सभी का आंचल की रसोई में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा कैजुअल रहने वाला है, बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं की गई है, क्योंकि ये जो वीडियो है ये है अनबॉक्सिंग वीडियो, और ये अनबॉक्सिंग है बहुत ही छोटे छोटे प्रोडक्ट्स की। तो मैं यहाँ पे जो मैंने सिर्फ किचन के लिए लिया है वही सामान दिखाऊंगी, जो कि क्वांटिटी में तो बहुत कम है, लेकिन हो सकता है आप लोगों के भी काम का हो। तो मैंने इसे खोला नहीं है, सोचा था एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी, तो वही वीडियो मैं अभी लेके आई हूँ आप लोगों के लिए भी, और मैं भी देखूंगी कि ये सामान यूज़फुल है या नहीं है। तो चलिए पहला प्रोडक्ट अनबॉक्स करते हैं। इतना छोटा सा ये डब्बा है, मुझे पता है इसके अंदर क्या है। चलिए देखते हैं काम का है या नहीं, और आप लोगों के लिए तो सस्पेंस है ही। ये देखिए, ये एक ड्राई फ्रूट कटर मशीन है। जब भी मैं अपने घर में कुछ मीठा बनाती हूँ तो मुझे लास्ट मोमेंट पे ही याद आता है कि मुझे ड्राई फ्रूट भी इसमें डालने हैं, और काटती हूँ मैं जब उनको तो काफ़ी मेहनत लगती है, और अगर ड्राई फ्रूट्स को बहुत बाद में डालो तो वो अच्छे से सॉफ्ट नहीं होते और खाने में एकदम कड़क हो जाते हैं, तो मेहनत का काम तो है ही। तो मैंने सोचा कि ये प्रोडक्ट मंगा के देखती हूँ, बहुत कॉस्टली भी नहीं है, बहुत छोटी सी मशीन है, पैकेजिंग ठीक ठाक है। ऊपर से ये प्रेस करने के लिए है, और नीचे से इसमें इस तरीके से ब्लेड बनी हुई है। ये रिंग है इसकी, शायद इसे सही से वर्क करने के लिए ये रिंग लगाई गई होगी। ओ, ये डिटैचेबल भी है, तो आप इसे आसानी से धो सकते हैं। पर ये वर्क करता है या नहीं ये मैं अभी टेस्ट करती हूँ। इसमें मैंने यहाँ पे कुछ काजू लिए हैं, इनको डाल देती हूँ। ये जो यहाँ पे लाइन है और ये जो यहाँ पे गैप है, इन दोनों को इस तरीके से एडजस्ट करना है ताकि ये अंदर चला जाए। ये काजू तो रह गए, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, मशीन तो फेल हो गई। तो मेरा पर्पस सॉल्व तो हो ही नहीं रहा, मैं क्या करूँ। बादाम में ज़्यादा नहीं डालूंगी, ये गिन के 6 बादाम है, हो सकता है ये काम कर जाए। एक बार सब मिक्स करके देखती हूँ, हो सकता है क्वांटिटी बहुत कम हो इस वजह से नहीं हो पा रहा हो। ये तो काम करने लगी, इट मीन्स ज़्यादा सामान भरना पड़ेगा इसमें। हालांकि स्लाइस बहुत ही पतले आए हैं, तो हमारी ये जो मशीन है ये कुछ कुछ काम कर रही है, कुछ कुछ नहीं कर रही है। मुझे इसका कंसेप्ट समझ में आ नहीं रहा है, तो इसे मैं कर लेती हूँ साइड। नेक्स्ट जो मैंने सामान परचेज किया है वो है फ्रिज में जो हम सब्जियाँ वगैरह रखते हैं उनके लिए थैली, और ये नेट वाली थैलियाँ हैं। कैसी हैं मुझे कुछ आइडिया नहीं है, तो चलिए इसे खोलते हैं। ये देखिए, इस तरीके से ये नेट की थैलियाँ हैं। वाह, बहुत अच्छी है ये तो। जैसे हम कोई सब्जी वगैरह लाते हैं, एक एक किलो या फिर कुछ सब्जियाँ 2 किलो भी आ जाती हैं, और ये जो नेट की थैली है ये मुझे बहुत ही सही लगी है। इनमें कम से कम 2 किलो सब्जी तो आराम से आ जाएगी, जो कि कपड़े की है, धो भी ले सकते हैं आराम से। और इस तरीके से इसमें टाई करने के लिए धागा दिया गया है। ये है क्वांटिटी में 6, और ये देखिए कुछ बड़े साइज की है और कुछ छोटे साइज की है। तो अगर आपको ज़्यादा सब्जी रखनी हो तो आप बड़ी थैली का यूज़ कर सकते हैं, कम सब्जी रखनी हो तो छोटी थैली का यूज़ कर सकते हैं। और इसमें अगर आप सब्जी रख के फ्रिज में स्टोर करते हैं तो स्पेस भी बहुत कम यूज़ होगा। जैसे बॉक्स वगैरह अगर हम यूज़ करते हैं स्टोरेज के लिए तो वो पूरा स्पेस घेर देते हैं, चाहे उस बॉक्स में आधा ही सामान है, लेकिन थैली में ऐसा नहीं है। आप एक सब्जी के ऊपर दूसरी सब्जी रख सकते हैं, और क्योंकि ये नेट की है तो इसमें एयर भी बहुत अच्छे से सर्कुलेट होगी और हमारी सब्जियां ख़राब नहीं होंगी।
तो ये काफ़ी यूज़फुल मुझे लगा तो मैंने लिए हैं। और ये एक बॉक्स है जो मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए लिया है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। खोलने से पहले ही मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये एक केक स्टैंड है। जब मैं रेसिपी बना देती हूँ उसके बाद फाइनली जब मैं उसका प्रेजेंटेशन करती हूँ तो मैं चाह रही थी कि कुछ ऐसा हो जिसे मैं ऐसे इस तरीके से गोल घुमाऊँ और रेसिपी बहुत अच्छे से प्रेजेंट हूँ। तो मैं अमेज़न पे सर्च कर रही थी, मुझे ये दिखा तो मैंने ऑर्डर कर दिया। पैकेजिंग तो इन्होंने बहुत अच्छे से की हुई है। तो ये इनका यहाँ पे थैंक यू कार्ड और ये देखिए, सबसे पहले वुडन है इसलिए मुझे पसंद आया और काफ़ी बड़ा है साइज में, मतलब इसमें रेसिपी आसानी से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। और अब बारी है इसे घुमाने की। इस तरीके से इसको घुमा के रेसिपी को प्रेजेंट किया जा सकता है और जब उसे लगाएंगे स्लो मोशन में तो भाई कैसे रेसिपी निकल के आएगी, निखर के आएगी, वो आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस में देखने को मिलेगा। पीछे से इस तरीके से है और यहाँ पे इसको ये स्लिप ना करे उसके लिए छोटे छोटे से रबर के पैचेस लगाए हुए हैं, पैर बोल सकते हैं, इसके 5 पैर हैं। और बीच में कुछ एडजस्टमेंट दी हुई है जिस वजह से ये अच्छे से घूमे। साइड से भी ये देखो मेटल की एक प्लेट है जिसे अच्छे से कसा गया है, इट मीन्स ये निकलेगा तो नहीं। और यहाँ पे इन लोगों ने अपनी जो भी बिजनेस है उसका नाम मेंशन किया है, ये है विस्टा होम्स करके। तो ये वाली परचेसिंग मुझे अच्छी लगी। इसके अलावा मैंने अमेज़ॉन से कुछ घर का सामान लिया है और कुछ अपना पर्सनल सामान जैसे थोड़ा बहुत कपड़े, दुपट्टा, ब्लाउज़ वगैरह, और वो सब किचन से रिलेटेड तो नहीं है। तो मुझे लगा नहीं कि मैं उन्हें भी इस वीडियो में इंक्लूड करूं। इन 3 सामान में से मुझे एक तो ये पसंद आया और एक जो नेट वाले जो कपड़े के बैग हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगे, मतलब मैं कहूँगी शायद इससे भी ज़्यादा अच्छे मुझे वही लगे हैं क्योंकि वो बहुत काम की चीज़ है। ये तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये मेरे पर्सनल यूज़ के लिए है, लेकिन जो नेट वाली कपड़े की थैलियाँ हैं वो तो हर कोई अपने फ्रिज में रख सकता है, स्पेस भी कम यूज़ होगा और आपकी जो सब्जियां हैं वो सेपरेट रहेंगी। अगर आपको ये छोटी सी अनबॉक्सिंग वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें कि आपको इन प्रोडक्ट्स में से कौन सा सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगा। साथ ही जिन लोगों ने आंचल की रसोई को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स जल्द से जल्द मिल सके। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि उनको भी इसी तरीके की छुटपुट सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने को मिल सके। मिलती हूँ आपको इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।